राजरत्न के पार्थिव पर उसके देह पर अभी हमको अंत संस्कार करने हैं, और उसके लिए जो नए कपड़े उसको लाने हैं, कफन लाना है, उसके लिए हमको पैसे दीजिए तो हम वो सारा लेकर आते हैं। इतनी बातें जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर जी के कान पे पड़ती है, बाबा साहब अंबेडकर और फुट फुट के रोने लगते हैं। बाजू में रमाई खड़ी है, रमाई को पता चलता है कि बाबा साहब अब क्यों रो रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी के इस रोने के पीछे का कारण क्या है। उनको पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जेब में राजरत्न के शरीर पर डालने के लिए, कफन लाने के लिए तक के पैसे नहीं है। नए कपड़ों की तो बात ही छोड़ दो, कफन लाने तक के पैसे नहीं है। माता रमाई जो साड़ी उन्होंने पहनी हुई है वो साड़ी फाड़ती है और राजरत्न के शरीर पर कफन के तौर पर डालती है, और तब बाबा साहब अंबेडकर इस राजरत्न को उस साड़ी में लपेट कर उसका अंत्यविधि करके आते हैं। अंत्यविधि करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी इसके ऊपर लिखते हैं कि जब मैं इसके साथ खेलता था तब इसे बातें करता था, और बातें करते हुए इसे कहता था कि तू मेरा शेर है, तू मेरा शेर है, तुझे बड़ा होने के बाद बहुत बड़े काम करने हैं, मेरा अधूरा रहा हुआ कार्य तुझे पूरा करना है, तू मिलिट्री के घराने में जन्म लिया हुआ बच्चा है। इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ये राजरत्न से बात किया करते थे। ये सारा जब मैंने सुना, ये सारा जब मैंने पढ़ा, मेरे वो किताब चांदेव खैरमोड़े की ये किताब है, खंड दो में ये सारा लिखा हुआ है, वो किताब मैंने बंद की और थोड़ी देर सोचने लग गया कि मेरा जो नाम मेरे माता पिता ने रखा है वो इस राजरत्न की याद पे रखा हुआ है, इसी राजरत्न की याद पे रखा हुआ है। मैंने वो किताब बंद की और सोचने लग गया कि इस राजरत्न को अगर जीवन मिलता और वो बड़ा होने के बाद अपने पिताजी के यानी बाबा साहब अंबेडकर जी के अधूरे रहे हुए जो कार्य है वो कार्य पूरा करने का काम जो राजरत्न अपने आयुष्य में करता लेकिन उसको जीवन नहीं मिला है, और मेरे माता पिता ने मेरा नाम जो रखा है इसी लड़के के ऊपर, इसी बच्चे के ऊपर रखा है, तभी मैंने सोचा कि अभी मुझे अपना वैयक्तिक आयुष्य, वैयक्तिक जीवन समाप्त कर देना चाहिए और इस राजरत्न का आयुष्य मुझे अब जीना पड़ेगा। और तब मैंने निर्णय लिया कि जो काम राजरत्न को बाबा साहब अंबेडकर कराना चाहते थे वही काम अभी मुझे मेरे जीवन में करना है। ये निर्णय मैंने लिया और सारी नौकरी वोकरी छोड़कर मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के इस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। और मैंने सारा असेसमेंट किया, असेसमेंट करने के बाद मुझे पता चला हम लोग हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ कैसी होती है मालूम है, जैसे बरसात गिरती है, बरसात गिरने पे जैसे वो मशरूम्स जो उगते हैं क्या बोलते हैं उसको, छत्ता, उस तरह से हमारी पॉलिटिकल पार्टियां निर्माण होती, इलेक्शन आएगी पॉलिटिकल पार्टी उगती, इलेक्शन आएगी पॉलिटिकल पार्टियां उगती है। बाबा साहब अंबेडकर खुद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि जब तक इस देश में धार्मिक और सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक राजनीतिक क्रांति नहीं होगी, और हम लोग सिर्फ राजनीतिक क्रांति, केवल राजनीति, धर्म के धार्मिक मूवमेंट को कोई भी हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है, धार्मिक मूवमेंट को कोई चलाने के लिए तैयार नहीं है, सभी लोगों को राजनीति करनी है, और फिर एक दो सीट के लिए, एक राज्यसभा के लिए, एक विधान परिषद के लिए हम लोग बीजेपी के हाथों बिक जाते हैं, फिर हम लोगों को राज्यसभा दी जाती है हमारे नेताओं को, आपके यहां पर भी, हाँ जैसे हमारे यहां पर रामदास अठवले हैं, आपके यहाँ पर उदित राज है, राम क्या है, रामविलास पासवान है, आप लोगों के पास भी राम है, हमारे पास भी एक राम है। बाबा साहब कहते हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं राम और लक्ष्मण को नहीं मानता, वैसे हम लोगों को भी कहना चाहिए हम भी इन राम को नहीं मानते, हम लोगों को कहने की जरूरत आप नहीं है कि ये राम हमारे राम नहीं है, हमारे लोगों को बेचते हैं नहीं बेचते ऐसा नहीं कहता मैं, संसद में भेजते हैं, विधान परिषद में भेजते हैं। बाबा साहब अंबेडकर 1946 को बुक लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि हमारे लोगों को ये लोग विधान परिषद में, संसद में भेजते हैं, लेकिन मुंह खोलने की भी अनुमति ये लोग नहीं देते, मुंह खोलने की भी अनुमति नहीं देते।
आजकल हमारे लोग मुंह खोलते हैं लेकिन मुंह खोलने के बाद कविता ही निकलती है, बाकी समस्या निकलती ही नहीं। ऐसे लोगों को बाबा सब क्या कहते हैं जिनको हम नेता कहते हैं, जिन्हें आज हम नेता कहते हैं कि हमारा नेता है। बाबा साहब 1946 को क्या कहते हैं जिन्हें हम आज नेता कहते हैं? बाबा साहब अंबेडकर 1946 में कहते हैं ये नेता नहीं, ये दलाल है, दलाल एजेंट, स्टूजेस, टूल्स, ये वर्ड्स यूज किए हैं बाबा साहब। और ऐसे मूवमेंट्स जब तक हमारी धार्मिक मूवमेंट स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी राजनीतिक स्ट्रांग नहीं होगी। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मेरा कोई हेतु नहीं है आप लोगों को, आप लोगों की भावना दुखाने का। मैं आप लोगों से भी विनती करना चाहूंगा, आप लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो, लेकिन जिस तरह से हम लोग विहारों में जाते हैं, बौद्ध विहारों में आप लोग जाते हो, विहार में जाते समय पहला काम क्या करते हो? पहला काम नहीं, वो तो अंदर जाने के बाद, अंदर जाते समय पहला काम क्या करते हो? जूते उतार के रख देते हो। मैं भी आपको वही कहना चाहूंगा, आप लोग भले किसी पार्टी से हो लेकिन बौद्ध धर्म का काम करते समय जिस तरह हम लोग बिहार में जाते समय अपने चप्पल और बूट उतार के रखते हैं, वैसे बुद्धिस्ट के नाते एक मंच पे आते समय अपने पॉलिटिकल पार्टी बाजू में रखो और बौद्ध बन के एक स्टेज पे आओ, बौद्ध होने के नाते एक स्टेज पे आओ, सभी लोग आओ। आरएसएस के लोग हर एक पार्टियों में है, हर एक पार्टी में, बीजेपी में है, कांग्रेस में है, आप लोगों के यहाँ की जो पार्टियां होंगी, आपके यहाँ की पार्टी लेता हूं, आम आदमी पार्टी, कौन है ये केजरीवाल, आरएसएस का कैडर है ये सारे लोग, यानी आरएसएस के सारे लोग सारे पार्टियों में। लेकिन इनको बोलो आप हिंदुत्व के अगेंस्ट में हो, कांग्रेस भी हिंदुत्व का सपोर्ट करेगी। कल राहुल गांधी किसी देवी के मंदिर में गए, बीजेपी भी हिंदुत्व का एजेंडा, शिवसेना भी हिंदुत्व का एजेंडा, आम आदमी का पार्टी का भी हिंदुत्व का एजेंडा। यानी ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो उनका रिलीजियस मोटो सेम है। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आप लोग अलग अलग पार्टियों में होने के बाद आप लोग आपके रिलीजन को क्यों महत्व नहीं देते? आप लोगों का बौद्ध धर्म, आप बौद्ध के नाते क्यों एक नहीं होते? बोलो अगर एक है तो आप लोग आपस में गली में बंटवारा क्यों करते हो? ये मेरे कार्यकर्ता का घर नहीं, ये मेरे कार्यकर्ता का घर नहीं, इस तरह से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आज इस देश में जो वातावरण निर्माण हो रहा है और जिस एंगल से ये सब जा रहा है, ये आगे चल के भी वही होने वाला है जो 70 साल में हुआ। अभी बीजेपी के अगेंस्ट में इस देश में जो माहौल बन रहा है, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट में माहौल बनता है तो राहुल गांधी को खड़ा किया जाता है। बेसिकली कांग्रेस ये बीजेपी का कभी भी पर्याय हो ही नहीं सकता। हम लोग इस देश के लोग क्या करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी कहीं पर फॉल्ट में है, गलत काम करता है, तो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते हैं, राहुल गांधी कुछ गलत काम करता है तो नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दोनों है एक ही, सिर्फ फेस अलग अलग, दोनों काम एक ही व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक नरेंद्र मोदी को हटाकर इस देश की व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। नरेंद्र मोदी ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई आदमी नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है। और इसलिए नरेंद्र मोदी को हटाने के बजाय ये प्रोडक्ट जहां से तैयार होते हैं वो फैक्ट्री को हम लोगों को बंद करना हो, उस फैक्ट्री को बंद कराना पड़ेगा। और ये फैक्ट्री इस देश में आरएसएस की जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री आने वाले समय में जातिगत वो धर्म के आधार पर हो दंगे कराने की साजिश में लगी हुई है। और इसलिए इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना, मैत्री भाव एक दूसरे के लिए निर्माण करना, ये बहुत जरूरी आज इस देश को हो गया। और इसलिए मैं आज यहाँ पर आप लोगों को इस धम्म दीक्षा के प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुए हो उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई दूंगा। और बाबा साहब का लास्ट का एक सिचुएशन, एक लास्ट का उनका प्रसंग बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब इस देश को संविधान निर्माण करके
जब सो पाए 26 नवंबर को, तब वो अपने ऑफिस में गए, ऑफिस में अपने रेलिंग चेयर पे आराम से बैठे। आराम से बैठने के बाद आँखों को बंद कर दिया और आंखें बंद करके वो झूलते झूलते कुछ सोच रहे थे। शंकरानंद शास्त्री वहीं पर खड़े, उन्होंने देखा, शंकरानंद शास्त्री जी ने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर गहरी कुछ सोच में डूब गए और आंखें बंद में ही उनके आंखों से आंसू आने लगे। शास्त्री जी ने पूछा कि बाबा साहब आपके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है? बाबा साहब अम्बेडकर जी का चेहरा मुस्कुराया हुआ था, आंखों में आंसू थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूछा कि आपके मन में क्या उथल पुथल हो रही है? बाबा साहब ने कहा कि शास्त्री, मैंने जब से इस मोमेंट को हाथ में लिया तब से लेकर आज तक मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये सारी बातें मैं याद कर रहा था। आज मैं इस देश को संविधान निर्माण करके देकर आया हूं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या आहुतियां देनी पड़ी, क्या क्या सैक्रिफाइस देने पड़े, वो सारी बातें मुझे याद आ रही थी। और इसी बात में मुझे राजरतन की भी याद आ गई, राजरत्न की याद आई। इस राजरत्न को इस देश से, इस जग से बिना कफन के जाना पड़ा। आज मैंने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया है और मैंने आज ऐसी व्यवस्था निर्माण कर दी है कि आने वाला मेरा हर एक राजरत्न ये सूट और बूट में तैयार होगा। इस तरह की निर्मिति आज इस व्यवस्था की मैंने कर दी है और इसलिए आज इस भारत में जहां पर हम लोग रह रहे हैं उसके संविधान को बचाने के लिए भी हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। जिस संविधान को आज इस देश में एक एक आर्टिकल को कानून बनाकर नष्ट करने की कोशिश इस देश में हो रही है, इसलिए उसके लिए भी हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। आज इसी माध्यम से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के इस विशाल धम्म दीक्षा समारोह एवं प्रादेशिक धम्म सम्मेलन के लिए भंडारी जी हो, आरपी सिंह जी हो, भीम सिंह गौतम जी हो, ये इन सभी लोगों ने और सभी दिल्ली प्रदेश की जो टीम है, बंते आसंग जी ने हम लोगों को यहाँ पर समय दिया, यहाँ के बंते जी हैं, पिंकुनी हैं, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमको आज ये प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर साथ सहयोग दिया। आप लोग जो सुबह से यहाँ पर बैठे हो, किसी ने मुझे नहीं लगता कुछ खाया होगा, आपके साथ मैंने भी कुछ खाया नहीं है, तो आप लोग भी मुझे यहाँ पर सुन रहे हो, तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सुना, उसलिए भी। और जाते जाते आप लोगों से भी मैं विनती करना चाहूँगा कि आज ये जो मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं ये केवल आप लोगों के भरोसे पे चला रहे हैं, आप लोगों के पैसों पे चला रहे हैं। अगर आज मैं कांग्रेस के पैसों पे चलाऊं तो मैं राहुल गांधी का नाम भी अपने मुंह से नहीं ले सकता। अगर मैं बीजेपी के पैसों पे चलाऊं तो नरेंद्र मोदी के ऊपर बोलने का अधिकार भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। ये सारा आप लोगों के एक एक दो दो दस दस रुपए के ऊपर हम लोग चला रहे हैं और ये सारा इस समाज के पैसों के ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मुझे ये जो मूवमेंट है ये बीजेपी और कांग्रेस के पैसों पे नहीं, समाज के पैसों पे चलानी है ताकि समाज की बात में इस देश में रख सकूं। इसलिए इस मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने के लिए हम आप लोग साथ सहयोग कीजिए। इतना ही मैं आप लोगों को कहता हूँ, रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।